अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एस एन महमूद एंड वेलकम टू जायोंस। न्यूज़पेपर ऐप डेवलपमेंट कोर्स की ये हमारी 19वीं वीडियो है। अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा अपना काम कंप्लीट कर लिया हुआ है और हमारा काफ़ी थोड़ा सा काम ही बाकी रह चुका है, जिसमें कि हमने मेनली जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल सर्च पेज है उसको डिज़ाइन करना है और न्यूज़ आर्टिकल फीड जो पेज है इन दो पेजेस को मेनली डिज़ाइन करना है। जैसे ही हमारे ये दो पेजेस डिज़ाइन हो जाएंगे, एटलीस्ट जो हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स थी जो कि मैंने यहाँ पे सबकी आसानी के लिए रखी हुई हैं, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर हमने कुछ बेसिकली इसको थोड़ा सा एक दफ़ा टेस्ट कर लेंगे कि ओके मोबाइल रिस्पॉन्सिव का सारा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, और इन चीज़ों को फिर एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे कि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में हमने जो जो चीज़ें लिखी थी वो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं कि नहीं हो रही। आज की वीडियो में मेनली हमने लास्ट वीडियो में जो काम किया था वो ये किया था कि जो सर्च न्यूज़ आर्टिकल्स की एपीआई है उसके रिस्पॉन्स की हमने टाइप बनाई थी। आज की वीडियो में हम उसका डमी डाटा डिफाइन करेंगे और उसकी रिकॉइल स्टेट डिफाइन करेंगे और उसके फॉर्मेटेड फंक्शंस लिखेंगे, ताकि जो बैकएंड एपीआई से डाटा आएगा वो हम फॉर्मेटेड फंक्शन को सेंड करेंगे प्रॉपर टाइपिंग के साथ। फॉर्मेटेड फंक्शन उस डाटा की फॉर्मेटिंग वगैरह करके एक फॉर्मेट में उस डाटा को मर्ज करके हमें रिटर्न करेगा। वो डाटा हम रिकॉइल की स्टेट में सेट किया करेंगे और रिकॉइल की स्टेट उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यूज करेंगे, जिसको यूज करते हुए हम जो डाटा है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो इसको गौर से देखें। और वीडियो के में कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे कोड को ओपन कर लूंगा और यहाँ पे एक फाइल को ओपन करके इस प्रोजेक्ट को चला लेंगे ताकि एटलीस्ट देख सकें। मैं सबसे पहले वो माई एस क्यूएल फिक्स को रन कर लूँगा। ये बेसिकली सर मेरे लोकल सिस्टम का, आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पे रिस्टार्ट पे ना परमिशंस ख़राब हो जाती हैं किसी वजह से। इसको मैं कभी फिर डीबग कर लूँगा, अभी के लिए जो शॉर्टकट है उसको चल लूँगा। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर आगे। और ये न्यूज़ आर्टिकल, लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली जो काम किया था वो ये किया था कि टाइप्स में बैकएंड एपीआई न्यूज़ आर्टिकल, और इसको रहने दें। ये मैं एक दोबारा से बना रहा था, ये वाली है। और इसके अलावा मैंने एक और एपीआई बेसिकली जो सर्च आई सर्च न्यूज़ आर्टिकल ये है, ये कहाँ से आ रहा है? यहीं से आ रहा है। ओह सॉरी, वहाँ पे वो इंडेक्स का था लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, मेनली सिर्फ और सिर्फ इसकी ज़रूरत है। इसमें ये बेसिकली जो मैंने टाइप बनाई थी, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ये मैंने इन दो को यूज़ किया था। बैकेंड से जो ऑब्जेक्ट आ रहा था उसको मैंने यहाँ पे लगा के फॉर्मेट कर लिया था, उसके जो कोड्स वगैरह ऐड करने थे, और उसको बाद में इसमें इनपुट करके उसकी प्रॉपर टाइप्स ले ली थी। अब यहाँ पे जो एक काम करना है जो इन्होंने नहीं किया, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी नेम टू बी जावास्क्रिप्ट। ओके, हाँ ठीक है, इसको ये कर लेते हैं, उससे ये फ़ायदा हुआ। ओके, ये ज़बरदस्त, ये बेसिकली यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा टूल है, तो जो टूल अच्छा काम करे उसको रिकमेंड भी करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसने बेसिकली, ये मैंने नेक्स्ट काम करना था, इनको ऑप्शनल बनाना था, तो उसने मेरे लिए इस काम को आसान किया है, ये भी बेसिकली इसको भी। लेकिन एक काम जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते और एटलीस्ट नहीं करना चाहिए वो ये बेसिकली जो मैंने ट्रांसफॉर्म ये, क्योंकि ये हमें बैकएंड एपीआई में से आ रहा है, अगर हम इसको अपनी मर्जी से जावास्क्रिप्ट नेम के साथ कर देंगे तो वो मैच नहीं करेगा, तो इस वजह से इसको वही रहने थे जो हमें बैकएंड में से आ रहा है, बाद में इसको देख लेंगे। अब मैं इसको एक दफ़ा फिर कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने की बजाय मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लूँगा। यहाँ पर ये डाटा आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है, इसको मैं ये चीज़ इसको यहाँ से डाटा तक मैंने कॉपी किया, और मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ है,
एपीआई ये है। ओके, मतलब मुझे ये डाटा की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको भी रहने दूंगा और इस चीज़ को रिप्लेस कर दूंगा, दैट्स इट। और वंस अगेन ये जो डेट है इसकी जगह मुझे स्ट्रिंग चाहिए, यहाँ पे उस चीज़ का ऑप्शन नहीं है, लेकिन वंस अगेन इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये टूल ने काफ़ी मदद की है इसमें, तो इस वजह से ये टूल अच्छा है। इसको स्ट्रिंग कर देंगे, दैट्स इट। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इतने आसानी के साथ हमारा काम क्लियर हो गया। यहाँ पे जो एक चीज़ होगी वो या तो ये डाटा हो सकता है या नल हो सकता है, ये ज़रूरी है। ये अब हमारी टाइप स्पेसिफिक है, सॉरी हमारी एपीआई स्पेसिफिक चीज़ है, तो ये हमने कर दिया। इसको सेव करेंगे, यहाँ पे वापस आ जाएंगे और यहाँ पे ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो रहा है। और ये मैंने एक बेसिकली डमी फॉर्मेट सेव किया था, यहाँ पे मैं टेक्स्ट को काफ़ी कट कर दूंगा क्योंकि अभी लिटरली इस टेक्स्ट से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, तो इतना लंबा टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, हमें छोटा टेक्स्ट चाहिए ताकि हम ज़रा इजीली रीड कर सकें बस चीज़ को, और उसके बाद देख लेंगे जो भी करना होगा। ओके, ये चीज़ है डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें डाटा आ रहा है, गार्डियन में, टाइम्स में, न्यूयॉर्क में, और ORG और API में, दोनों में, सब में, चारों में डाटा आ है। और एक बेसिकली डमी जो डाटा फॉर्मेट हमारे पास है वो यहाँ पर अवेलेबल है, ये डमी डाटा हमारे पास अवेलेबल है। और जो टाइप अपडेट थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली, क्योंकि ये मैंने सबको ऑप्शनल ही मेनली बनाना था ताकि किसी पे कोई रिक्वायरमेंट ना हो, पीछे से डाटा आ जाता है तो उसको मैप कर ले, अदरवाइज ना करे, दैट्स इट। यहाँ पर ये अब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो ये करना है कि बेसिकली इस डाटा को अब एक फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन मेन फंक्शन होगा जो कि ये डाटा रिसीव करेगा, और उसके बाद उसके अंदर आगे सब चार फंक्शन होंगे जो कि इंडिविजुअली इसके डाटा को फॉर्मेट कर रहे होंगे, इसके डाटा को, इसके डाटा को और इसके डाटा को, चार फंक्शन इन चारों के लिए, वो चारों इन चारों के डाटा को फॉर्मेट करके रिटर्न करेंगे मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन उन चारों के डाटा को लेके एक अरे बना के एक फॉर्मेट में डाटा को रिटर्न कर देगा, जो कि मीन के काम हम नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद फिर उस डाटा को हम इक्वल स्टेट में सेट करवाएंगे, और वहां पे हमारा इस वीडियो का काम खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उस इक्वल स्टेट को यूज करते हुए अपनी जो यूआई है उसको कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं मेजर फंक्शन से, बेसिकली एक मेन फंक्शन से जिसका कि हम नाम एक जेनेरिक नाम रखेंगे, क्योंकि वो इसके फॉर्मेटिंग के लिए भी यूज होगा और फीड की फॉर्मेटिंग, फीड यूजर फीड की फॉर्मेटिंग के लिए भी यूज होगा। मैं यहाँ पर हेल्पर्स के फोल्डर में आ जाऊंगा, यहाँ पे हमने पहले ही रिकॉल का बनाया, और इसमें बेसिकली मैं वंस अगेन एक और फोल्डर बना लूंगा जो कि होगा न्यूज आर्टिकल्स, और उसमें index.ts, और इसमें एक्सपोर्ट होगा कॉन्स्ट फॉर्मेट न्यूज आर्टिकल्स डाटा, ये मेन ये डाटा रिसीव करेगा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर, और ये डाटा रिसीव कर रहा होगा इस फॉर्मेट का, इसको इस फॉर्मेट से गर्ज है, इसको एपीआई से कोई गर्ज नहीं है ये, और ये रिटर्न करेगा बेसिकली हमारी जो एक टाइप का डाटा होगा वो। यहाँ पर हम एक टाइप का डाटा बना लेते हैं जो कि ओके, इसको मैं बैकएंड कह रहा हूँ, और यहाँ पे भी इसको मैं बैकएंड कह रहा हूँ। और इसके बाद मुझे एक और चाहिए यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रंट एंड, ओके, तो ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, क्योंकि बेसिकली ये जो है ये बैकएंड की टाइप और उसकी फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे अब मुझे एक जेनेरिक टाइप अपनी चाहिए जो कि हम फ्रंट एंड में यूज़ कर रहे होंगे, इंटरफेस आई न्यूज डाटा आइटम, ओके, न्यूज आइटम, या फिर हम अकेले न्यूज आइटम भी कह सकते हैं डन। और इसमें अब मुझे चाहिए क्या, इसमें एक आईडी होगी जो कि ऑप्शनल, ऑप्शनल हम चीजें रखेंगे ताकि अगर कोई चीज नहीं भी मिलती तो उसमें इशू ना हो।
स्ट्रिंग, उसके बाद हमें शो क्या क्या करवाना है, हमने फ्रंट एंड पर शो क्या क्या करवाना है वो चीज़ मैटर करेगी। यहाँ पर वैसे कोई ऐसा उस तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब यही कह रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं। टाइटल, स्ट्रिंग, इसको कॉपी कर लेता हूँ, बॉडी, उसके बाद इमेज यूआरएल और पोस्ट या फिर न्यूज़ यूआरएल। ओके, अभी के लिए सिर्फ यही, इसके अलावा अगर कुछ और चाहिए होगा तो बाद में देख लेंगे। इसको करेंगे और ये रिटर्न करेगा इस फॉर्मेट की अरे को, ये हमारे, और अभी के लिए रिटर्न एम्प्टी रे कर लें ताकि एरर खत्म हो। अब यहां पर मुझे बेसिकली नेस्टेड चार फंक्शन चाहिए, जिसमें से अभी के लिए हम पहला फंक्शन बनाएंगे जो कि इसको फॉर्मेट करेगा, और वो नेस्टेड ही चाहिए तो इस वजह से फॉर्मेट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज एपीआई। ओके, ये क्या रिसीव करेगा, होपफुली आपने गैस कर लिया होगा, ये इस टाइप का डाटा रिसीव करेगा, डाटा ये, और सॉरी इसको ये करना। अब यहां पर इसने इसने क्या रिटर्न करना है, होपफुली ये भी आपने गैस कर लिया होगा, इन सब ने यही चीज रिटर्न करनी ताकि हमारा डाटा एक फॉर्मेट में हमें चाहिए। फ्रंट एंड में मतलब हम फॉर्मेटिंग करने के बाद हमारी कंसर्न नहीं है कि किस फॉर्मेट में आया था, हमें अपनी फॉर्मेट में डाटा मिल गया, दैट्स इट। ओके, यहां पर अब हम बेसिकली इसको कर लेंगे कॉन्स्ट और फॉर्मेट, यहाँ पे हम कह देंगे कि न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम दिस फॉर्मेट दिस, और इसमें हम इसको कह देंगे डाटा डॉट एआई, या अगर ये नहीं है तो एम्प्टी, सिंपल इज दैट। और ये थोड़ा सा मसला कर रहा, ठीक है कोई मसले वाली बात नहीं, हम इसको इजी कर लेंगे कि ये हो सकता है या फिर नल हो सकता है, जो उसकी टाइप है, हमें मीन के बहुत ज़्यादा इसको करनी। और यहाँ पर अब हम कर लेंगे इफ दिस देन ये एंड डॉट लेंथ, ओके आर्टिकल्स डॉट लेंथ, ओके डॉट रिजल्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो। मेन चीज़ ये है कि अगर आर्टिकल्स हैं तो ही बात होगी, अदरवाइज मीन के कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये हुआ, ये हो गया, अगर ये है तो ठीक है, अदरवाइज सिंपली इसको रिटर्न करो और दैट्स इट। अब यहाँ पर ये हमारी इतनी सी बात कंप्लीट हो गई है, और इसको मैं इसको अभी ऐसे जान दूँ, इसको मैं उसमें ऐड कर लेता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं मुझे, बस ये वंस अगेन ये मैं एक्सटेंशन बता देता हूँ, ये कौन सी एक्सटेंशन है, ये स्पेल चेकर कोड स्पेल चेकर, ये एटलीस्ट मुझे काफ़ी पसंद है ये एक्सटेंशन, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक से बचा लेती है। ये आर्टिकल्स आ गए, और यहाँ पर हमें होपफुली आपने गैस कर लिया होगा क्या यहाँ पे हमें चाहिए, हमें बेसिकली न्यूज़ आर्टिकल्स चाहिए जो कि किस फॉर्मेट के होंगे, आई न्यूज़ आइटम, और जिसको हम इसमें करेंगे ओके। और बेसिकली यहाँ पे बस सेफ्टी चेक के लिए मैं इनको ऐसे करता जाऊँगा डॉट पुश एक, उसके बाद इसी तरह बाकी काम हम करते जाएंगे, और लास्ट में ये रिटर्न होगा। ओके, यहाँ पर भी हम यही काम कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, और यहाँ पे भी यही रिटर्न करेंगे, और यहाँ पर भी यही रिटर्न। यहाँ पे अब हम मेन काम करेंगे, यहाँ पे अब हम इन चीज़ों को फॉर्मेट करेंगे। मैं इसको यहाँ पर आइटम्स को असाइन कर लूँगा, और इसकी टाइप ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें सही मिलेगी, ये प्रॉपर टाइप इनका फायदा होता है। अब हम इस पे करेंगे लूप फॉर ईच, और यहाँ पर हम बेसिकली सॉरी जो एलिमेंट होगा उसकी बाकी जो डाटा है, और इसके डाटा को देखने के लिए मैं सिंपली इसकी जो टाइप है उसमें आ जाऊंगा,
ये है। और आप चाहे तो यहां से समझने की कोशिश कर लें, अगर अदरवाइज मुझे ये मिल ही गया है। टाइटल चाहिए, ये चाहिए, इमेज चाहिए और यूआरएल चाहिए, और यहाँ से हम ये यूआरएल यूज कर लेंगे, दैट्स इट। तो ये काफी सिंपल ही था। हम करेंगे न्यूज आर्टिकल्स डॉट पुश। हमने पुश क्या करना है, हमने एक बेसिकली आइटम यहाँ पर क्रिएट करनी है, कॉन्स्ट आइटम। आइटम किस टाइप की होगी, आई न्यूज आइटम की टाइप की होगी, और वहां पे हमें क्या चाहिए, आईडी, सॉरी आईडी हम कह देंगे कि एल डॉट यू आर आई, इसके इक्वल है। उसके बाद हमें टाइटल चाहिए, वो हम कह देंगे एल डॉट टाइटल, सॉरी टाइटल, आईडी टाइटल, और बॉडी एल डॉट बॉडी, और इमेज यहाँ पर एल डॉट इमेज, और यू आर एल, सॉरी क्या था, न्यूज यू आर एल डॉट यू आर एल, यू आर आई नहीं, यू आर एल, और मेरे ख्याल से सिर्फ यही था डाटा चेक। हाँ अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, और ये आइटम इसमें पुश करते हैं। इस तरह ये सारा फॉर्मेट होके यहाँ पे डाटा आ जाएगा, यहाँ पे हम उसको रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पर हम बेसिकली उसको जो है यहाँ पे बेसिकली उसमें न्यूज़ आर्टिकल्स में डालें। अगर हम इसको यहाँ पे कॉल करते हैं, इसको मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम मेनली मैं जाऊँगा कंपोनेंट्स में, इसमें ग्रिड में यहाँ पर, और यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल्स, और क्या करना क्या है, फॉर्मेट न्यूज आर्टिकल डाटा, इसको देना क्या है अभी, सर्च डाटा डमी डाटा, ऑब्वियसली हमें डमी डाटा इसको भी प्रोवाइड करना, और ये क्योंकि वो है पूरा रिस्पांस है, तो इसमें से हमें मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट, मेन केस एपीआई को रिजल्ट चाहिए, उसमें से डाटा चाहिए, और अगर ये नहीं होगा तो हमने ये रिटर्न करना है जो कि इसको मसला कर रही है। और ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम बेसिकली ये कह देंगे कि क्योंकि ये बाद में रिजल्ट का जो डाटा होगा, ये मैं जब एपीए कॉल करेंगे तभी उसको कर लेंगे, अभी के लिए मैं सिर्फ सिर्फ यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मेट हमारा डाटा, इफ डाटा देन ओनली डू दिस, और इसमें से डाटा यहाँ, अब इसका ये काम खत्म हो गया, और इसको यहाँ पे सिर्फ कंसोल लॉक करवा दो हम, ताकि देख सकें कि ये ओके क्या हमारे पास फॉर्मेट हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट हमारे पास डाटा आया वो इस सेंस में आया, और क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही एक रखा था, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो था, सॉरी क्योंकि यहाँ पे आऊँगा, तो एक ही ऑब्जेक्ट था, तो उसको उसने प्रॉपरली फॉर्मेट कर दिया जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम मूव करेंगे, और इसमें से जो दूसरी टाइप का डाटा है, ये पहला हो गया, अब इसका हम फंक्शन लिखेंगे, फॉर्मेटिंग फंक्शन। हम वापस आ जाएंगे इसी फाइल में, और मैं अपनी आसानी के लिए इसको कॉपी कर लूंगा, पेस्ट, और यहाँ पे ओ आर जी कह दूंगा, वंस अगेन आसानी के लिए इसको कॉपी पेस्ट, और ऐसे कर दूंगा, यहाँ पे इसको कह दूंगा ओ आर जी, और यहाँ पे ये चेंज हो के क्या हो जाएगा, ओ आर जी। अब इसको पता चलेगा कि ये डाटा गलत है, तो यहाँ पे हम इसको ओ आर जी कह देंगे, इसके साथ वो डाटा सही हो जाएगा, और अब जारी बात है, ये हमारा ये वाला लॉजिक खत्म हो गया, ये आर्टिकल जिसमें एक्सिस्ट करते हैं। ओके, मुझे नहीं था पता, खैर इसको देख लेते हैं, डॉट इसमें क्या चीज़ है, ओके मीन के आर्टिकल्स में ही है, ये भी अच्छा है, आर्टिकल्स ये आइटम्स, बेसिकली एज सच कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते थे, लेकिन नो प्रॉब्लम।
और ऑप्शनल चेनिंग पे ये जरूर किया करें, ये बेसिकली ना कह लें कि आपको बड़ी जगह पे बचाएगा, जो भी ऑप्शनल डाटा हो, ये ऑप्शनल चेनिंग जो है ना ये बहुतों जगह पे बचाता है। तो इसकी एक हैबिट बना लें इसकी, ताकि आप आसानी में रहें। अच्छा, अब हमने मेनली इसको देखना है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये आर्टिकल है और इसकी जो है ये सोर्स, ऑथर, टाइटल, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, यूआरएल, इमेज यूआरएल और दैट्स इट। उसके बाद जो आईडी है वो हम इसकी खुद बना लेंगे, नहीं भी बनाएंगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आईडी जो है मैं लेट्स से क्या आईडी रखूँ इसकी, यूआरएल ही इसकी आईडी में रखूँगा, क्योंकि अभी के लिए मैं इसकी आईडी पे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। अब इसमें से डिस्क्रिप्शन या कंटेंट में से कौन सा आएगा वो हम फिर बाद में देख लेंगे, या फिर अभी देख लेते हैं। पोस्टमैन यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ताकि वही डाटा चूज करें जो हमें चाहिए। पहले वाले में मैंने क्या चूज किया था, बॉडी, उसको भी कंफर्म कर लेते हैं कि उसमें से बॉडी चूज करना था कि कुछ और चूज करना था। इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, गेट आर्टिकल्स को देखते हैं कि क्या था बॉडी में जो है ये, उसके अलावा कुछ है, दैट्स इट, बॉडी चूज करना था। इसको क्लोज कर दो, इधर आ जाओ, इसको देखो, इसकी एक रिस्पॉन्स को देख, ये रिस्पॉन्स सेव करने का आपको ये फायदा, डिस्क्रिप्शन में ये टैक्स है और कंटेंट में इन टैक्स में, लेकिन मैं अभी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा बेसिकली नहीं चाहिए। इसमें ऊपर वाले में कोई छोटी डिस्क्रिप्शन नहीं थी, इसको ओपन कर लेते हैं ताकि बार बार ये लोड ना करे इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ओके, और फिर कह रहा हूँ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और होपफुली आपने गैस भी कर लिया होगा कि इसका मतलब क्या है। ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे अब इस एपीआई में हमारे पास वो चीज़ नहीं है, तो हम सिंपली क्या नाम लेते हैं, एक फंक्शन लिख लेंगे जो कि इसको, इसमें से जो डाटा होगा वो कर लेगा, मीन के 300 करेक्टर्स तक उसको ले लेगा, क्योंकि हम जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी उसको एट मैक्स 300 करेक्टर तक रखेंगे। 300 करेक्टर भी ज़्यादा है, लेकिन फिर देख लेंगे, अगर इशू होगा तो फिर उसको देख लेंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन el.body, यहाँ पे एक छोटा सा हेल्पर फंक्शन लिख लेंगे जो कि मैं यहाँ पे लिख लूंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ट्रंकेट ट्रंकेट टैक्स, और ये क्या करेगा, str रिटर्न गेट करेगा, लेंथ गेट करेगा, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 300 मैंने कह दी है, रिटर्न स्ट्रिंग करेगा, इफ str डॉट लेंथ इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ, देन रिटर्न str, एल्स रिटर्न str डॉट सब स्ट्रिंग, 0 से स्टार्ट करो, लेंथ तक जाओ, और बेसिकली उसके साथ ये प्लस कर दो, ये सिंपली ताकि वो एलिप्सिस की फीलिंग आए, आपने नहीं करना उसको एंड पे तो ना करने का मसला नहीं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा, दैट्स इट, ओके, कह रहा कि स्ट्रिंग ये अनडिफाइन हो सकता है, वैसे तो होगा लेकिन फिर भी आप इसकी आसानी के लिए, ओके, खैर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये वाकई यहाँ पे ये नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ स्ट्रिंग पास करना चाह रहा हूँ, तो ये स्ट्रिंग ऑप्शनल, अगर स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की लेंथ से है,
ये कर दो, अदरवाइज अगर स्ट्रिंग है तो ये काम करो, अदरवाइज स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर दो जो भी इसका, लेकिन वो अनडिफाइंड हो सकता है तो फिर एम्प्टी को रिटर्न कर दो, सिंपल दैट। ओके, यहाँ पे ये हो गया, और वो नंबर ऑप्शनल था, उसकी वैल्यू डिफाइन थी। यहाँ पे अब इसकी बात हो रही थी कि इसमें जो आर्टिकल्स हैं, अगर मुझे इसकी टाइप मिल जाए एक दफ़ा फिर, तो यहाँ पे आ गए, इसमें ये जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए शॉर्ट, उसके लिए डिस्क्रिप्शन यूज़ कर लो, और लॉन्ग के लिए एल डॉट कंटेंट यूज़ कर लो, इसके लिए इमेज है कि नहीं, यूआरएल टू इमेज एंड यूआरएल वैसे आ गया, ये सिर्फ रह गया, इसको मैं फिर यूआरएल और दैट्स इट, इसको भी के लिए यूआरएल में सेट करूँगा। यह बेहतर है कि इसको मैथ, यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेते हैं, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसमें आए के हेल्पर्स कहाँ पे हैं, जनरल हेल्पर्स, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट रैंडम आईडी, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, रिटर्न न्यू डॉट सॉरी न्यू डेट डॉट गेट टाइम प्लस मैथ डॉट राउंड मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय, चलो, और इस सब को मिला के डॉट टू स्ट्रिंग, ये लीजिए। एक दफ़ा इसे कॉल करते हैं कि इस पे आता क्या, इसी पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है चलेगा। ओके, इसको सेव किया, गेट रैंडम आईडी, यहाँ पर आए गेट रैंडम आईडी, और देखिए कॉल कर दिया, ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया इसने, एटलीस्ट मुझे नहीं पसंद इस तरह का, ये यूटिल्स में और हेल्पर्स में, ये हो गया। और इसी के साथ हमारी ये फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट हो गई यहाँ पर भी, तो यहाँ पे आके रिफ़्रेश करके देखते हैं, रिफ़्रेश की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो गया, बट इस ये गलती से मैंने कॉल, सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो है वो प्रॉपरली फॉर्मेट हो गए, और ये एक ही न्यूज़ आर्टिकल का बेसिकली अरे है, उसमें सारे आते जाएंगे। नेक्स्ट होपफुली आपने गेस कर लिया होगा कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, इसको न्यूयॉर्क टाइम की एपीआई को हम इसका जो रिस्पॉन्स है उसको फॉर्मेट करें। हम वंस अगेन यहाँ पर आ जाएंगे बेसिकली, जहाँ पर हमारा ये फॉर्मेट का फंक्शन है, इसको ही कॉपी कर लेंगे, और आर्टिकल्स हम इसको कॉपी कर लेंगे अपनी आसानी के लिए, ये हो गया, और इसको कॉपी कर लेंगे वंस अगेन, और बाकी मैं अभी देखता हूँ, यहाँ पे पहले ऊपर मैं देख लूँ, ये है और आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम, और उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, न्यूयॉर्क टाइम में रिस्पॉन्स में डॉक्स में, डॉक्स में मेन है, ठीक है, तो न्यूयॉर्क टाइम ये डाटा है, इसमें रिस्पॉन्स, उसके बाद डॉक्स, और उसके बाद उसकी लेंथ, ये हो गया। और अगर ये है तो इसको गेट कर लो, और इसमें से अब हम देख लेंगे कि हमें चाहिए क्या। वंस अगेन मैं एपीआई को देख लूँगा, मुझे इसका रिस्पॉन्स बोल चुका है कि कौन सा हमने यूज़ करना है प्रॉपरली, तो न्यूयॉर्क टाइम में आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको मैं यहाँ पे ओपन ही रहने दूँगा, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसको टाइटल के तौर पे देख लेंगे, ये यूआरएल है,
ये भी नहीं पता, ये लीड पैराग्राफ, ये मेरे ख्याल से मीडिया ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये बहुत लेता है। यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स की जो बेसिकली पोस्ट होंगी उसमें ये जो मल्टीमीडिया वाला सेक्शन है ना, ये 1,000 लाइन का एक बेसिकली पोस्ट में, तो इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। मतलब हम इसकी जो भी वो होंगी, जो पोस्ट होंगी उसके लिए एक ही जो इमेज है ना उसको यूज़ कर लेंगे। तो न्यू यॉर्क टाइम्स न्यूज़ इमेजेस, और उसके लिए जनरल इमेज यूज कर लेंगे, दैट्स इट। इसको मैं सेव कर रहा हूँ और उसको मैं एसेट्स के फोल्डर में रखता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। उस आइकन को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, मैंने सिंपली आइकन को बस प्लेस किया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट सॉरी न्यू यॉर्क टाइम्स लोगो फ्रॉम, और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। और यहाँ पे इमेज यूआरएल में मैं वही यूज करता हूँ, न्यू यॉर्क टाइम्स लॉगो, और ये ऑटो कंप्लीट पता नहीं क्यों नहीं इसका दे रहा, लेकिन कोई नहीं। ये इसमें है कि नहीं, और सॉरी इसमें इसका लोगो इंपोर्ट आना भी नहीं था, एक दफा फिर ट्राई करते, इमेज इसका आना था जी। ये हो गया, यहाँ पर वेब यूआरएल आई थिंक, ओके यहाँ पर क्या था, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं लीड पैराग्राफ में भी, हेडलाइन, हेडलाइन हम गेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हेडलाइन इसमें आई है, हेडलाइन गेट कर रहे हैं, थैंक गॉड। तो टाइटल में आ जाएगा हेडलाइन डॉट मे बी मेन, जी मेन आ जाएगा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ आएगी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आईडी में गेट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, आईडी मेरे ख्याल से शॉर्ट में गेट नहीं कर रहा, आईडी गेट कर लेंगे क्योंकि आईडी का फायदा ही होगा, आईडी चले हम यूज़ कर लेंगे आईडी। और इसको बेसिकली बैकएंड कोड में मेंशन करना पड़ेगा, वो मैं जल्दी से कर देता हूँ ताकि मैं बाद में भूलना चाहूँ इस चीज़ को। यहाँ पे आ जाएंगे बैकएंड कोड HTTP, यहाँ पर सॉरी मिडलवेयर में नहीं, यहाँ पर न्यूज़ कंट्रोलर, और ये है, यही मेरे ख्याल से हमने सारा डाटा इधर मेंशन किया हुआ है। ये गार्डियन API है, हमें चाहिए न्यूयॉर्क API, और इसमें ID। ओके मैं वापस आ जाऊंगा, और बस यही है मेनली, वेब URL वो मैंने पहले ले लिया, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं लीड पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, एब्स्ट्रैक्ट और लीड में क्या फ़र्क है, स्निपेट ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है ये दोनों, स्निपेट और एब्स्ट्रैक्ट, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट यूज़ कर रहा हूँगा, और उसके बाद लीड पैराग्राफ। ओके तो स्निपेट की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको हम बैकएंड में से रिमूव कर देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो मैं गेट भी नहीं कर रहा। ओके ये पता नहीं फिर आया कैसे, खैर फ्रंट एंड में आएंगे, यहाँ पर आएंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए मैं एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करूँगा, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए लीड पैराग्राफ यूज़ करूँगा, और उसके साथ मैं उसको एब्स्ट्रैक्ट को भी मिला दूँगा। ये
यहाँ पर el डॉट एब्स्ट्रैक्ट और न्यू लाइन ये, इसी के साथ यहाँ पर जो है मैं आईडी यूज कर रहा हूँ, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर जस्ट फॉर सेफ्टी में गेट रैंडम आईडी, जस्ट इन केस अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कम से कम हमें कोई आईडी मिल जाए। इसमें भी मैं यही काम कर दूंगा और इसे ऐसे कर दूंगा। देखते हैं हमारा फ्रंट एंड पे क्या चेंज हुआ है। नीचे आ जाएंगे, तीन यहाँ पर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा तीनों का जो डाटा है वो बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट हो चुका है। नेक्स्ट होपफुली आपने कैस कर लिया होगा नेक्स्ट क्या आने वाला है। नेक्स्ट हम इसकी एपीआई के फॉर्मेटेड फंक्शन लिखेंगे। ये भी रिलेटिवली सिंपल ही होगा। हम यहाँ पर आएंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, इसे चेंज कर दूँगा, इसकी टाइप को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, नीचे सारा वो चेंज हो जाएगा। इसको इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको भी क्लोज कर लूँगा और यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ दोबारा करके यहाँ पे इसे कर लूँगा और ये आर्टिकल फ्रॉम गार्डियन एपीआई आ जाएगा और दैट्स इट। एक चीज़ जो बेसिकली अच्छी नहीं मैंने की, मीन मेरे एटलीस्ट मेरे जेन से दिखा, वो ये है कि यहाँ पे प्रॉपर नेम यूज़ करने, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। ये ले बस इतना सा काम था, वो थोड़ी सी मिस्टेक थी, नो प्रॉब्लम। ये रिस्पांस तक जा रहा है तो रिस्पांस में आ जाते हैं, रिस्पांस ये है। और वंस अगेन मैं यही से स्टडी करूँगा बजाय इसके कि उसको गैस करने के कि क्या चीज़ क्या है। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और इसको ओपन कर लेंगे एक नई टैब में। रिजल्ट ये वो रिस्पांस में आके रिस्पांस और उसमें रिजल्ट और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, मतलब यहाँ पे रिजल्ट आएगा और यहाँ पे रिजल्ट आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ओके, यहाँ पे वापस आ जाते हैं रिजल्ट में। अब क्या आईडी है मेरे पास, उसके बाद वेब यूआरएल है और यहाँ पे वो नहीं है, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो आईडी और वेब यूआरएल तो कम से कम देंगे, उसके बाद बाकी देखेंगे। वेब यूआरएल, अब बाकी चीज़ें यहाँ से देख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। यहाँ पे अब आईडी वगैरह हो गई, ये हो गया, वेब यूआरएल दे दिया मैंने। उसके बाद फील्ड्स में हेडलाइन ये मुझे चाहिए, तो टाइटल जो है वो फील्ड्स डॉट हेडलाइन और इसी के साथ शॉर्ट टेक्स्ट फील्ड्स डॉट बॉडी टेक्स्ट शॉर्ट यूआरएल भी हमारे पास है। ओके, नॉट बैड, शॉर्ट यूआरएल पे यूज़ करते हैं वो ज़्यादा बेहतर बजाय इसके कि वेब यूआरएल यूज़ करें, शॉर्ट यूआरएल ज़्यादा बेहतर। और इसमें हमारे पास इमेज यूआरएल भी है आई थिंक, ये है थंबनेल, तो इसको यूज़ करते हैं बजाय इसके कि ये न्यूयॉर्क यूज़ करने के, थंबनेल को यूज़ करते हैं। और गार्डन एपीआई में, बेसिकली गार्डियन एपीआई में मैंने पीछे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, हेडलाइन आ रही है। ओके, बॉडी शॉर्ट यूआरएल, थंबनेल, पंक्चुएशन और बॉडी टैक्स। ओके, ये बॉडी का मेरे ख्याल से टैक्स नहीं चाहिए, बॉडी टैक्स चाहिए, तो मैं यहाँ से एक दफ़ा फिर देख लूँगा। ये बॉडी टैक्स तो ठीक है, मेरे पास शॉर्ट टैक्स है इसका कि नहीं है, आई डोंट थिंक है मेरे पास इसका शॉर्ट टैक्स है। स्टैंड फर्स्ट, ये ठीक है, मैं बॉडी में से बॉडी टैक्स में से उसको ले जाऊँगा। और यहाँ पे मुझे बॉडी ये भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको ये करूँगा और ये भी निकाल दूँगा क्योंकि मुझे इसका नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली बॉडी टैक्स और होपफुली आपने गैस कर लिया होगा, इसको हम ट्रंकेट करेंगे
और उसके बाद लॉन्ग में ये पूरा टैक्सी आ जाएगा। ये हो गया और इसी के साथ और कुछ नहीं करने की ज़रूरत। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो फॉर्मेट हो चुका है। ओके, इसको फ्रंट एंड पे अभी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसके टाइटल्स को शो करवा देते हैं यहाँ पे हाइडिंग्स के साथ, और उसके साथ इस बेसिकली टाइटल्स में शो करने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमें इसे नेक्स्ट अब हमें इसे बेसिकली नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमें इसे इक्वल की स्टेट में नेक्स्ट अब हमें इसे इक्वल की स्टेट में मैनेज करना पड़ेगा, और उसके बाद उस इक्वल की स्टेट को यूज करते हुए हम इसे फ्रंट एंड में जहां पे चाहेंगे यूज कर सकेंगे। कंटिन्यू करते हैं इसके साथ। यहाँ पे हम पहले इक्वल की स्टेट एक क्रिएट करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ से आ जाऊँगा स्टेट में और यहाँ पर एक स्टेट बनेगी न्यूज आर्टिकल्स, और क्योंकि हम बैकएंड एपीआई को स्टोर नहीं करवा रहे तो सिर्फ एक ही देगी, फ्रंट एंड बैकएंड कहने की जरूरत नहीं है। और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट न्यूज आर्टिकल्स आर स्टेट आइटम, ये आइटम होगा जिसमें के डाटा होगा आई न्यूज आइटम उसकी अरे, या फिर नल हो सकता है, या फिर इसको यही देना। ओके, की और डिफॉल्ट डाटा जो कि एम्प्टी अरे है। यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कहूँगा सर्च्ड न्यूज आर्टिकल्स, क्योंकि मुझे इसी तरह की एक और स्टेट चाहिए जो कि होपफुली आपने गेस कर लिया होगा, न्यूज फीड आर्टिकल्स स्टेट। तो इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, दैट्स इट। ये दो स्टेट्स हैं हमारे पास, इनको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। ये यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं, और इसको बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि जस्ट इन केस अगर कोई देखना चाहे यहाँ पर द टाइप्स मेंशन लो वर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस। ये जस्ट इन केस ताकि अगर वो किसी ने देखना हो कि भाई किसके साथ इन्होंने बनाया है इसको। यहाँ पर अब मैं चाहूँ तो ये डायरेक्ट फॉर्मेटेड डाटा वहाँ पे भी दे सकता हूँ, जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको भी क्लोज कर देते हैं फिलहाल। और यहाँ पे मुझे वो चाहिए स्टेट, यहाँ पे फिलहाल मैं स्टेट को लेके आ रहा हूँ। कंटिन्यू करते हैं और फिर इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, और ये कर रहा हूँ मैं यूज रिकॉइल स्टेट। यहाँ पे इसको और सेट searched this, और अभी के लिए
कंट्रास्ट और नाउ यूज इफेक्ट को यूज करते हुए इसका सिर्फ डाटा सेट करा देते हैं। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई लिटरली इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस स्टेट को यूज करना चाहता हूँ, दैट्स इट, और कोई वजह नहीं है। तो होपफुली आप माइंड नहीं करेंगे इस चीज को। ये मैं जब आया इस चीज को यहाँ पे बेसिकली मैं इसको सेट कर दूंगा और ये मुझे अब लेट करना पड़ेगा इसको, और लेट इसकी आउटसाइड में करना पड़ेगा और यहाँ पर इसको ये करना पड़ेगा और यहाँ पर इसकी टाइप बतानी पड़ेगी। टाइप इसकी क्या है, ये क्या रिटर्न क्या करता है, ये हो गया। और यहाँ पर अब मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिकली अभी के लिए न्यूज आई ग्रेड आइटम इसको रिपीट कर दूंगा और वंस अगेन जो उसकी स्टाइलिंग होगी वो हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। डॉट मैप EL return this key PL.ID और इसमें अब यहाँ पे इसकी props भी हमें receive करनी पड़ेंगी। आई इंटरफेस प्रॉप्स जो कि यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे बेसिकली मैं ऐसे कह दूँगा कि हमें न्यूज आइटम डाटा चाहिए जो कि न्यूज आइटम के इक्वल है, और यहाँ पर इस चीज़ को ले आएंगे और अभी के लिए इसको मैं सब सेफ कराऊंगा। यहाँ पर मैं न्यूज आइटम डाटा में EL को पास कर दूंगा और इसी के साथ देखते हैं ये हमारे पास आ गया। और सिर्फ और सिर्फ उसको चले थोड़ा सा बेसिक सी स्टाइलिंग देने के लिए यहाँ पे बॉक्स इंपोर्ट करेंगे, फ्लैक्स इंपोर्ट करेंगे ये, और इस चीज़ को ये करेंगे और बेसिकली यहाँ पर यह आ गया। और इसमें जो है हालांकि फ्लेक्स की जगह ग्रिड शायद यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ग्रिड, और इसमें जो स्पेसिंग वगैरह है, गैप जो होता है वो डिफाइन किया जा सकता है, लेट्स से 3 कह दिया तो वो हो जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो डिफाइन, या फिर जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो डिफाइन की जा सकती हैं इसका स्ट्रक्चर, जो कि हम लैटेक्स यूआई में से देख सकते हैं। लैटेक्स यूआई ग्रेट यहाँ पे आगे ये है, तो ये है कॉलम कितने चाहिए, कॉलम्स इसको बता दो, मुझे 4 कॉलम चाहिए मेनली, और उसके बाद यहाँ पे वैसे 6 हो सकते हैं जो इसका हालात है, और इसको मैं कंटेनर में रैप कर लूँगा। कंटेनर में रैप करने की बजाय मैं इसको जो है इसको बेसिकली, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मेनली स्टाइलिंग करते होंगे, एटलीस्ट हमारा जो बेसिक काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर हम इसको वन स्टेप सिर्फ इसमें करना चाहते हैं जो कि यहाँ पे एक्चुअल चले कंटेंट यूज़ कर लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद फिर जो इसकी फाइनल स्टाइलिंग वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में फाइनलाइज कर देंगे। ये काफ़ी सिंपल होगा, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आएंगे और होपफुली आपने गैस भी कर लिया होगा, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको रिमूव कर देना है एक्चुअल डाटा के साथ, और क्योंकि हम बाकी काम सारा पहले ही कर चुके हैं तो हमारे लिए ये काम काफ़ी आसान होगा। ये जो स्टाइल्स वगैरह हैं ETC हैं, इनको सबको हम
ओके, ये इसको मसला आ गया। खैर अभी के लिए मैं इसको यहीं पर रहने दे रहा हूँ इसको, क्योंकि हम उसके साथ हैंडल कर लेंगे क्लास बेस्ड स्टाइलिंग के साथ। और यहाँ पर बजाय इसके कि मैं ऐसे यूज़ करूँ, मैं यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ कर लूँगा अपनी आसानी के लिए। ओके, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे मुझे न्यूज़ और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे मुझे एस चाइल्ड, एक तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, दूसरा न्यूज़ डॉट टाइटल, लेट्स सी। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये है, जो कि एटलीस्ट देखने में इतना बुरा नहीं लग रहा, बेसिक सा है। बाकी इसकी जो स्टाइलिंग थोड़ी सी और हम इम्प्रूव करेंगे। एक तो मैं मैक्सिमम इतने करेक्टर्स तक चाह रहा हूँ कि इतने करेक्टर्स तक मेरे पास जो कंटेंट है वो शो हो, इतना ही बहुत है। इससे कम में तो कोई मसला नहीं उसकी, क्योंकि हम ना जो हाइट है उसको एडजस्ट कर देंगे कि वो कम से कम इतनी जरूर शो हो, और दैट्स इट मेनली। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो स्टाइल बेसिकली स्टाइलिंग है इस पेज की फाइनलाइज कर लेंगे, और न्यूज़ फीड पेज की दोनों की स्टाइलिंग को फाइनलाइज करने के बाद हमारा जो काम रह जाएगा वो फिर ये रह जाएगा कि इनको एक्चुअल एपीआई के साथ इंटीग्रेट करना, कि ये एक्चुअल एपीआई के साथ डाटा लेके आए। लेकिन उससे पहले जो मैं एक काम करूँगा वो ये होगा कि मैं यहाँ पर जो सर्च में होगा, जो कि उसके बाद वाली वीडियो में होगा, सर्च में यहाँ पे ऊपर फिल्टर्स ऐड करूँगा। यूज़र के पास ऑप्शन होगा कि वो कीवर्ड के साथ सर्च, जो फिल्टर्स हमारे पास होते हैं, और न्यूज़ फीड में बेसिकली वो ही फिल्टर्स हम कॉपी कर लेंगे जो कि उसका बेसिकली अपडेट प्रेफरेंस का होगा काम, जो उसके प्रेफरेंस को अपडेट कर रहा होगा। ये काम हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो न्यू वीडियोस आने वाली है उनका अलर्ट आपको मिलता है। ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बेसिकली हमने काफी काम खत्म किया है। हमने ये जो आइटम्स थे उनको यूज किया है, उसके अलावा जो कोड में हमने इनकी टाइप्स डिफाइन की हैं, फॉर्मेटेड फंक्शंस डिफाइन की हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा काम किया, और अपनी जो ग्राउंड बेसिक्स थी उनको क्लियर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेज की जो स्टाइलिंग है उसको फाइनलाइज कर रहे होंगे, और उसके बाद हम फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और अपना जो रिमेनिंग काम रहता होगा, जो कि इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है, उसको ख़त्म करेंगे और इस कोर्स को फाइनलाइज करेंगे। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.